आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हुई। विटामिन डी की? हाँ, ट्रैवलिंग। ओहो ओहो शी इज माय ट्रू फैन। हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। आप सोच रहे हो मैं तैयार भी होती जा रही हूँ और बोलती भी जा रही हूँ, तो इससे यार मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। अगर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गई ना तो मेरे पति देव जो नीचे इंतजार कर रहे हैं मेरा, वो चिल्लाने लगेंगे, इसलिए तैयार होते होते बात करती हूँ। अच्छा, मुझसे ना कई लोग पूछते हैं कि तुम हर ब्लॉग में गुड मॉर्निंग करके क्यों ग्रीट कर, मुझसे ना हर पूछते हैं कि तुम हर ब्लॉग में गुड मॉर्निंग क्यों कहती हो। तो मैंने कहा भाई देखो, इंग्लिश में कहते हैं कि आप पूरे दिन में जब भी किसी को मिलो तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, और अगर ना भी बोलते हो तो मुझे एक बात बताइए, अगर इतना सुंदर फेस देख के और आपकी गुड मॉर्निंग शुरू हो तो कितना अच्छा दिन जाएगा ना। मैं इसीलिए गुड मॉर्निंग बोलती हूँ ताकि आप मुझे जिस समय भी देखो उसके बाद का आपका पूरा दिन जो भी हो वो पूरा अच्छा जाए और आप उसे ही गुड मॉर्निंग समझो। इसीलिए मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे मैं आज क्या करने वाली हूँ, सॉरी ओ थोड़ा सा काम करते करते कैमरा नीचे हो गया। ओके, अब आप सोच रहे होंगे मैं आज क्या करने वाली हूँ या कहाँ जाने वाली हूँ, मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अब चल रही हूँ मार्केट और आज आपको मेरा बताऊँगी डेली लाइफ का व्लॉग। एक्चुअली ना ये बड़ी दिक्कत है, पता है, ये लिपस्टिक लगाने के बाद ऊपर से आप मास्क पहनो तो लिपस्टिक लगाओ ही क्यों, इतना खर्चा किया है मगर इतनी महंगी लिपस्टिक्स ली है तो उसे ऐसे ही फेंक तो नहीं सकते ना। तो और वैसे भी मैं यहाँ से मास्क पहन के निकलूंगी लेकिन जब आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करूंगी तब तो मास्क उतार दूंगी, तब तो काम आ जाएगी और मुझे खुद को भी बेटर फील होगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ, इसलिए लिपस्टिक लगा लेती हूँ। चलिए चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से क्यों करने जा रही हूँ, भाई तारीफ तो तब अच्छी लगती है जब कोई और हमारी तारीफ करे, मगर क्यों हम तारीफ के लिए किसी और के मोहताज क्यों रहे, हम अपना हर काम खुद करते हैं ना, तो हम अपनी तारीफ भी खुद कर सकते हैं, आखिर हमारी खुशी हमारे हाथ में होती है। सो मैं तो किसी की वेट किसी का वेट नहीं करती कि कोई भाई मेरी तारीफ करो तब मैं खुश हो जाऊँ, नहीं मैं अपनी तारीफ खुद करके खुश हो लेती हूँ। आप भी करके देखिए आपको अच्छा लगेगा। अब आप सोचेंगे मैं आज कहाँ निकल रही हूँ कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आपने जैसे मेरे पहले के व्लॉग देखे हैं, आप मेरी फैमिली के काफ़ी मेम्बर से मिल चुके हो, तो आज उनमें से दो लोगों का है बर्थडे, तो और रात को मुझे पार्टी में जाना है, तो बर्थडे में ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, तो मैं अब निकली हूँ उन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने। अब क्या लूँ क्या ना लूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इनके साथ मार्केट निकली हूँ, अब देखते हैं क्या समझ में आता है और क्या मिलता है। चलिए देखते हैं क्या लेते हैं हम लोग। चलिए इसके पास देखते हैं, कुछ ऑफ भी है और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये भाई डबल एक्सेल। हाँ डबल एक्सेल में दिखाइए। टी-शर्ट रिकॉर्डिंग करूँ चलेगा ना, शाम में ब्लॉगर दैट्स व्हाई। कल मुझसे एक जन ने ये बोला था, मतलब एक जन ने पूछा था, आप तो डेली लाइफ के व्लॉग बनाते हो, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो और आपका तो कैमरा हमेशा ऑन रहता होगा, आप बोलते रहते होगे, तो जो आपके साथ चलते हैं वो बोर नहीं होते कभी आपसे, आपको रोकते नहीं है? तो मेरे साथ तो ये ही चलते हैं, इनसे पूछते हैं ये कभी मुझसे बोर होते हैं क्या। सर आप मुझसे कभी बोर होते हो क्या? नहीं होते ना, बहुत अच्छा बोलते हो ना। मैंने कहा था ना अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, क्यों वेट करे भाई ये तारीफ करे, हम खुद ही कर देते बेचारे को, हाँ तो बोलनी पड़ेगी। बहरहाल तो मैं ऐसे कैमरा लेके चलती हूँ, हर चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं।
तो देखिए ये एक अच्छी बात है, अगर आपका पति आपके साथ है तो आपको और कोई कुछ नहीं बोल सकता। और ये मेरी खुशकिस्मती है या मेरी अच्छी गुड लक है। ड्रेस अच्छी थी, सॉरी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करी तो कि मेरा पति मेरे साथ है और मुझे खुद बोलते हैं, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती ना तो मुझे खुद कहते हैं तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही, ऐसे चुप चुप अच्छी नहीं लग रही। अब इनको मेरा बोलना अच्छा लगता है या मेरा आप लोगों से बोलना और इनके साथ चुप रहती हूँ ये अच्छा लगता है, अब वो यही जाने। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ना शॉपिंग में बड़ा मजा आता है। मतलब अगर कुछ दिन हो गए ना मैं बाहर नहीं निकली और शॉपिंग नहीं की तो मुझे ऐसे लगने लगता है यार मेरे अंदर बहुत सारे विटामिन्स वगैरह की कमी आ गई है शायद, तो मैं निकल पड़ती हूँ। और किसी और के लिए भी शॉपिंग करनी हो, किसी के लिए भी शॉपिंग करनी हो तो मैं तो अगर रेडी रहती हूँ शॉपिंग करने के लिए। मेरे लिए शॉपिंग ना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। बीच बीच में इनका फोन मेरे लिए स्ट्रेस लाता है, बट ठीक है काम है यार उनको करना पड़ेगा, फिर भी मुझे समय देते हैं। हेलो, हाँ जी ये ड्राइव कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करवाती हूँ। ड्राइविंग करते समय ना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया कि ये ड्राइव कर रहे हैं और मैं आपसे कंटिन्यू बात भी करूँ वरना बीच में मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ती। हाँ तो मैं कह रही थी शॉपिंग मेरे लिए ना स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, किसी के लिए भी करनी हो, ये जरूरी नहीं कि मैं अपने लिए शॉपिंग करूँ, मैं किसी के लिए भी करूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस मैंने शॉपिंग की, फिर अभी किसी को पसंद आए ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन मैंने तो कर ली ना। और मेरी आज की शॉपिंग तो हो चुकी, अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। निकले हैं बर्थडे पार्टी के लिए, मेरे साथ है रेशम। रेशम मास्क तो नीचे कर, हाँ इससे आप मेरे पहले के व्लॉग्स में भी मिल चुके हो। इसका भाई है मनित जो उस दिन गेम में चीटिंग कर रहा था मेरे महाबलेश्वर वाले व्लॉग में, है ना। और ये है हिना, आधे लोग जा चुके हैं अभी हम लोग चल रहे हैं, चलिए चलते हैं बर्थडे पार्टी में। पर मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है तो उसने ब्लड टेस्ट करवाया, उसके ब्लड में ना विटामिन बी की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 लेवल कम। तो मैंने उसको बोला यार डॉक्टर को बोल इतनी कमी है तो मेरी सांस ने मेरे में से नहीं निकाल ली जितनी आपने मेरे ब्लड टेस्ट में से निकाल ली है। तो आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हुई? विटामिन टी की? हाँ। ट्रैवलिंग। ओहो ओहो ये देखो ये लड़की है, ये मतलब मेरे व्लॉग इतने अच्छे ध्यान से देखती है, इसको याद है आज मैं खुद भूल गई मेरी विटामिन डी की कमी। आपको होता है विटामिन डी की कमी? नहीं ना, तो आप वो मेरा डेली लाइफ वाला व्लॉग देखिए। वो कौन सा व्लॉग था जिसमें विटामिन डी की कमी थी रेशम? हाँ ये क्या हो गया, देखो ये भी याद है। She is my true fan, huh? Happy
ड्रेस बहुत अच्छी है ना, ये भी अच्छी लग रही है। वैसे अच्छी तो सारी ड्रेसेस लगती है। ये कैमरा भी गिर रहा है कि उधर देखो इधर मत देखो। खैर वैसे अच्छी तो सारी ड्रेसेस लगती है, पर सब तो नहीं ले सकते ना, तो थोड़ा सा किसी थोड़ी सी ड्रेसेस, अरे यार रोहिल ना बंद कर, तो थोड़ी सी ड्रेसेस किसी और के लिए छोड़ देते हैं।